हेलो फ्रेंड्स, मैं जलवा, वेलकम टू माय चैनल द जेब्स वाइंस। फ्रेंड्स, सो आज मैं आपके साथ होममेड कॉफी ऑयल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, प्लस उसके क्या क्या स्किन बेनिफिट्स है वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। कॉफी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल है, एंड कॉफी के अंदर जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी स्किन को डैमेज होने से भी रोकता है, प्लस ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिसकी मदद से हमारी स्किन एकदम ब्राइट, फ्रेश एंड रेडियंट रहेगी। सो आज मैं आपके साथ होममेड कॉफी ऑयल रेसिपी शेयर करूंगी, प्लस उसके क्या क्या स्किन बेनिफिट्स है वो मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे फ्यूचर में आने वाले हर नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। एंड साथ में ही डेली अपडेट्स जानने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। सो चलिए अभी हम फटाफट से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो कॉफ़ी इन्फ्यूज़ डॉल बनाने के लिए आपको सबसे पहले कॉफ़ी पाउडर लेना है, उसके बाद आपको एक ग्लास का ही कंटेनर लेना है एंड उसमें ये पूरा पाउडर ऐड कर लेना है। उसके बाद मैं लूँगी कोकोनट ऑयल, आप कोकोनट ऑयल के बदले कोई भी ऑयल ले सकते हो, आप इसमें आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हो, विटामिन ई ऑयल ऐड कर सकते हो, या तो फिर ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हो। जितना कॉफ़ी पाउडर हो उससे दुगनी क्वांटिटी में आपको ऑयल ऐड करना है एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड आपको इसे 15-20 दिनों तक, या तो फिर हो सके तो आप इसे एक महीने तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। बस रोज़ आपको इसे शेक कर लेना है ताकि कॉफ़ी के अंदर जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हो वो ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड आफ्टर 1 मंथ आपको इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, जिससे कि ऑयल एंड कॉफ़ी पाउडर अलग अलग हो जाए। आपको अगेन इसे ग्लास के कंटेनर में स्टोर कर देना है। सो यहाँ पर हमारा कॉफ़ी इन्फ्यूज़ ऑयल तैयार हो चुका है। आपको इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही रखना है, तो आप इसे एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। फ्रेंड्स, अभी कॉफ़ी ऑयल रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दी है, अभी आप लोगों को मैं उसके बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो कॉफ़ी हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के डैमेज को रोकता है एंड उसके साथ साथ ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है एंड हमारी स्किन को एकदम फ्रेश एंड रेडियंट रखता है। प्लस वो हमारी स्किन के पोर्स को टाइट रखता है, जिसकी वजह से हमारी रिंकल्स एंड फाइनेंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। कॉफ़ी के अंदर जो भी कैफीन पाया जाता है वो ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सो अगर आपको भी स्ट्रेच मार्क्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कॉफ़ी ऑयल की मदद से ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद तीसरा बेनिफिट देखे तो कॉफ़ी बहुत अच्छा सा एक एंटीऑक्सीडेंट तरीके से भी काम करता है। उसके बाद मैं फोर्थ बेनिफिट की बात करूँ तो ये बहुत अच्छे से डार्क सर्कल एंड पफी आई को भी ट्रीट करता है, कि कॉफ़ी के अंदर जो भी कैफीन पाया जाता है वो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप रेगुलरली कॉफ़ी ऑयल को अपनी आंखों के आसपास अप्लाई करोगे तो बहुत ही जल्द आपकी पफी आईज एंड डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपने कॉफ़ी ऑयल की रेसिपी प्लस उसके बेनिफिट्स भी देख लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी। सो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विथ माई चैनल द जेब्स वाइंस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।